नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं HJ News। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एशिया कप 2018 को भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के चलते जीत लिया था। एशिया कप 2018 में इस बार हांगकांग की टीम ने भी हिस्सा लिया था और भारतीय टीम के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज मैच में शानदार खेल भी दिखाया था। हालांकि हांगकांग को इस मैच में 26 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसी बीच हांगकांग टीम से जुड़ी ही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हांगकांग के विकेटकीपर क्रिस्टोफर कार्टर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में ही क्रिकेट से संन्यास लिया है। बता दें कि एशिया कप में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के पहले मैच में जहां वे मात्र 2 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे, वहीं भारत के खिलाफ भी वे मात्र 3 रन बनाकर ही हो गए थे। हांगकांग के विकेटकीपर क्रिस्टोफर कार्टर ने अपने एक बयान में कहा, मैंने क्रिकेट खेलने के चलते पहले ही अपनी पढ़ाई को होल्ड पर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये वही करने का समय है जो मैं हमेशा करना चाहता था, और वे पायलट बनना है। हालांकि मैं यह जरूर कहूंगा कि मार्क राइट हमारे डायरेक्टर और साइमन कुक हमारे कोच ने देश में क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन उन्हें सरकार या ICC द्वारा अच्छा समर्थन नहीं दिया जा रहा है।